सुखबीर बादल नु कोरोना हो गया, मारो तारियां दबके, ओ तारियां मार दो दबके, कोरोना हो गया शायद रब सुन ले छेती सुन ले। सुखबीर बादल नु कोरोना हो गया, मारो तारियां दबके, ओ तारियां मार दो दबके, कोरोना हो गया शायद रब सुन ले छेती सुन ले। बाका प्राणा की अनाज मंडी में अच्छ आम आदमी पार्टी वालों किसान महासम्मेलन के नाम से एक वड्डी रैली की गई। इस रैली राही जिथे आम आदमी पार्टी ने 2022 दी विधानसभा चोणों का बिगल भी बजा दिता, उत्थे स्टेज पर भाजपा ते सूबे की कांग्रेस सरकार तो इलावा अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल मुख तौर पर निशाने ते रहे। सुखबीर बादल के कोरोना पॉजिटिव होने से ना सिर्फ आप आगू ने ताड़ियां बजाईया सगों इतों तक आख दिता कि शायद रब जल्दी ही सुन लवे। मास्टर बलदेव सिंह ने कहा कि पंजाब के लखां नौजवानों सुखबीर बादल ने खराब किया है। उन्होंने कहा कि फाजिलका विच एक रैली दौरान सुखबीर बादल लोगों को आख रहे सन कि अकाली दल की सरकार बना दिओ, फिर भावें तुसीं सिद्धियां कुंडियां लगा लिओ, मैं परचा नहीं होण देवांगा। जबकि प्रकाश सिंह बादल नौजवानों को कहते सन कि मैं नौकरी नहीं दे सकता, तुसीं भावें ATM लुट लो, मैं परचा नहीं होण देवांगा। मास्टर बलदेव सिंह ने कहा कि अकालियां ने नौजवानों नौकरियां तो की देनियां सगों डकैतियां ते चोरियां करना सिखा रहे हैं, पर किसी की बीमारी तो यहोजा कमेंट करना यह साबित कर रहा है कि साड़ी राजनीतिक लोगों के बयानबाजी का पद्धर कितना गिर चुका है। बहुत ही सत्कारयोग नौजवान वीरों बुजुर्गों भैनों सारे ने गज के बोलना है, श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह बहुत ढिली आई है, मैं नारे लवावांगा दो तीन जिसका तुसी जवाब मोदी सरकार नू और कैप्टन सरकार नू देना है। ते दोहां बहां खड़ियां करके पूरे जोर दी नारे लाने हैं, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हजे कम ठंडा लगता है, आसे पासे भी माड़े मोटे कूड़ियां जे मार दियो पूरे जोशो खरोश नाल, ताकि इतों पता लगे अज भागे पुराने तो कि जनता हुण जाग चुकी है। पूरे जोश के नाल दोहे बहां खड़ियां करके मेरे साथी जिहड़े बुलारे मगर बैठे ने सारे ने बोलना है। जे आपां पंडाल का माहौल ठंडा रखिया तो कैप्टन सरकार सोचेगी कि कट्ठ बहुत घट सी उत्थे। दो नारे लाने उस बाद मैं बोलन लगना, पूरे जोश नाल बोलना सारे ने, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। अज जो आम आदमी पार्टी वालों किसान महासम्मेलन किया जा रहा है, इस दे विच अपने किसानों प्रति जो भी आम आदमी पार्टी पहला भी कर चुकी है 5 जून तो पिछले 2020 तो, और लगातार किसान दिल्ली के बार्डर के उत्ते बैठे हुए हैं, तो जिस दिन 26 नवंबर किसान दिल्ली को घेरन वास्ते गए सी, उस दिन मोदी ने कहा सी केजरीवाल को कि केजरीवाल साहब अरविंद जी मैनू 9 स्टेडियम जड़े जेलों वास्ते आरजी जेलों बनाया किसान उत्थे ताड़ने हैं वह मैनू दे दियो। तो केजरीवाल जी ने जड़ा लैटर मोदी ने भेजा सी किसानों नू 9 स्टेडियम जेलों बनाने वास्ते वह पाड़ के जवाब दे देता ही। उस दिन तो केजरीवाल साहब ने किसानों के हक की गल की सी कि मैं कोई स्टेडियम नहीं देवांगा। यह बहुत वड्डी गल है सेंटर नू चैलेंज करना कि मैं स्टेडियम नहीं देने, तो दिते भी नहीं साथियो। किसानों वास्ते जो बार्डर ते बैठे पानी का प्रबंध नहीं सी, केजरीवाल जी ने पानी का प्रबंध करके दिता उसे सारे किसानों बार्डर के उत्ते।
फलशें का प्रबंध नहीं सी। केजरीवाल जी ने फलशें का प्रबंध करके आरजी फलश जोड़े उत्थे लगाए, उत्थे इन्होंने किसानों के मोबाइल बंद किए हुए सी, तां केजरीवाल जी ने वाईफाई का उत्थे प्रबंध करके दिता। एक दिन मेरा जैतो हल्के के घनिए तो गुरमेल सिंह जी सिद्धूपुर ग्रुप के सी, उन्होंने फोन किया, मैं दिल्ली से उदों तो उत्थे गया होया किसानों के मसले देखने वास्ते, किसानों का साथ देने वास्ते। उन्होंने फोन किया कि मास्टर जी साडे कोल पानी नहीं, साडे कोल बिजली का प्रबंध नहीं। सुबह 7 बजे किया उन्होंने फोन किया, तो मैं कहा 10 बजे तो पहला तेरा प्रबंध होगा सारे का साथियों। तो उतों अपने लोग सभा के जड़े राज्यसभा के जड़े MP ने वो मेरे नाल जाके उतों ही उन्होंने फोन कर दिता, और जिथे पानी के तुपके भी नहीं डिगते सी उत्थे मच्छी मोटर 10 बजे तक चलाउणियां शुरू कीतियां। यह अरविंद केजरीवाल ही है जिहड़ा किसानों का साथ दे रहा है। गुरु तेग बहादुर पार्क के लंगर लाया है, जिथे हजारां किसान हजारां मजदूर उतों लंगर छकते हैं। जिथे भी कितने किसान कोई औकड़ आती है, आम आदमी पार्टी उत्थे नाल खड़ी है। साथियों आ थोड़े दिन पहला सुखबीर बादल ने एक उत्थे रैली की है बाजे दे विच, उन्हूं करोना हो गया। सुखबीर बादल नूं करोना हो गया, मारो ताड़ियां दबके, ओह ताड़ियां मार दो दबके, करोना हो गया। शायद रब सुन ले, छेती सुन ले, क्योंकि साढ़े लखां नौजवान लखां किसान सन उन्होंने खराब खत्म कर दिते ने। उल्टा सौ कहिंदा वी केजरीवाल नूं पंजाब दे अंदर ना वड़न दिओ, करोना फैला दूगा। मैं उन्हें पूछना चाहना कि सुखबीर बादल तू ये गल कहना केजरीवाल करोना लेके आएगा, और शर्म कर, शर्म, करोना तू पहला ही पंजाब दे विच लेके बैठा, तेरे को पहला करोना है, पहला तू आपदा ला करोना ठीक कर। सुखबीर बादल आ बोर दे विच जिहड़ियां म्युनिसिपल चोणां होईआं, मैं भी फाजिलका सी, फाजिलका दे विच बोलदा कहिंदा नौजवानां नूं, कहिंदा बजुर्गां नूं, कहिंदा भैणां नूं, कहिंदा कि मेरी सरकार लिया दिओ ते मीटर दीआं जिहड़ियां कुंडियां सिद्धियां ही लवा दूंगा। मैं कहिंदा की कहिंदा, मीटर दीआं कुंडियां सिद्धियां ही लवा दूंगा। शर्म होनी चाहीदी है इसे उप मुख्यमंत्री जिहड़ा रहा है, इहदा प्यो प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री सी कहिंदा मैं रुजगार नहीं दे सकता, तुसीं ATM तोड़ दिओ, मैं थोड़े ते परचा नहीं होण देवांगा। साथियों दो गल्लां इह समझण दी लोड़ है, नौजवानां नूं नौकरियां दा की देणी है। एक पासे डकैतियां करना सिखाउंदे है, एक पासे जिहड़ियां चोरियां करनियां सिखाउंदे है। मैं इहनां नूं पुछणा चाहुंदा भी तुसीं लोकां नूं रुजगार देवो, लोकां दी तुसीं गल्लबात सुणो, लोकां दी सेहत दा ख्याल रखो, स्कूलां दा वधिया प्रबंध करके दिओ। उल्टा सगों लोकां नूं पुठे पासे लाउण जा रहे हैं। तां साथियो कैप्टन लगातार आ 5-4 दिन तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नूं रैली नहीं करनी चाहिए। मैं उन्हें पूछना चाहना भी आम आदमी पार्टी नूं रैली नूं रोकदा है? पछमी बंगाल दे विच कलकत्ते दे विच तुसीं उत्थे बड़िया बड़िया रैलियां कर रहे हो, क्योंकि उत्थे वोटां चल रहीआं, जिथे तुहाडीआं वोटां चल रहीआं होण उत्थे तुसीं रैलियां करदे होवो, ते जदों आम आदमी पार्टी किसानां दे हक दे विच डट के खड़दी है उत्थे तुसीं रोकण दी गल करदे हो। आ पुलिस वाले वीर मैं उन्हां नूं हथ बन्न के कहिंदा जिथे जिथे खड़े है, सरकारां बदलदीआं रहिंदीआं, सरकारां बदलदीआं रहिंदीआं। जे अज आम आदमी पार्टी अज किथे किसान महा सम्मेलन कर रही है, उत्थे असीं विधानसभा दे अंदर भी मुलाजमां दे हक दे विच बोलदे हां। तुहानूं याद कराउणा कि तुहाडीआं 200-200 रुपया महीने की जित तनखाह दे विचों कट्टी जांदा मनप्रीत बादल,
2400 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਅਗਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਔਖਿਆਈ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘੁਣਵਾਂ ਖਾਧਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ 5 ਵਾਰੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 85% ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5 ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, 5 ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ।